आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उसके आसपास के इलाकों पर जिस तरीके से चक्रवात मिचौंग का कहर बरप रहा है, ताजा स्थिति क्या है? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आईएमडी डीजी डॉक्टर महापात्रा। सर, जिस तरीके से साइक्लोन मिचौंग का जो कहर है वो ताजा स्थिति की बात करें तो क्या स्थिति आप देख रहे हैं? ताजा स्थिति यही है, आज दोपहर में यानी 11:30 बजे साइक्लोन एक सीवियर साइक्लोन रूप में आंध्र प्रदेश के तट के आसपास प्रकाशम जिले की ओनगोल से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर केंद्रीभूत है और ये अगले 2 घंटे में तट को पार करेगा बापाटला के आसपास। और इसका जो लैंडफॉल प्रोसेस का इम्पैक्ट कल रात से शुरू हुआ है, अभी इमीडिएटली जो एरिया में हीट कर रहा है इस एरिया में लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया है, अगले 3 घंटे तक लैंडफॉल प्रोसेस जारी रहेगा। इसका मतलब है कि अभी सबसे ज्यादा विंड्स, सबसे ज्यादा रेनफॉल और सबसे ज्यादा स्टर्म सर्ज एंड टाइडल वेव अभी उस इलाके में देखने को मिल रहा है। और जो टाइडल वेव होगा वो है 1 to 1.5 मीटर अबव द एस्ट्रोनॉमिकल टाइड। जो बारिश होगा वो है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल आज होगा, ऑलरेडी 24 आवर्स में हुआ है, अभी भी 24 आवर्स में जो है एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होगा। ये दोनों की वजह से कहीं कहीं कोस्टल आंध्र प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट स्पेशली सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ फ्लैश फ्लड्स या फ्लड्स होने का संभावना है। और विंड जो 90 to 100 किलोमीटर/आवर विंड स्पीड के साथ ये तट को हीट कर रहा है, इस विंड स्पीड में पेड़ गिर सकता है, पेड़ के ब्रांच गिर सकते हैं, होर्डिंग्स वगैरह डैमेज हो सकते हैं, गिर सकते हैं। और जो लार्ज स्केल डैमेज होने वाला है वो है थेचेड हाउसेस, मॉड हाउसेस और हॉटमेंट्स। इसलिए सभी लोग जैसे वल्नरेबल एरिया में है वो सभी सेफ प्लेस में होना चाहिए, बाहर नहीं घूमना चाहिए। कोई फिशरमैन समुद्र के अंदर नहीं जाना चाहिए 6 तारीख सुबह तक, क्योंकि समुद्र शांत रहेगा 6 तारीख सुबह तक। तो सर, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 2 घंटे बाद ये हिट कर सकता है, तब क्या और भी ज्यादा स्थिति व्यवहार होने वाली है वहां पर? नहीं नहीं, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी इसका है वो हीटिंग तक रहेगा, इसके बाद धीरे धीरे वीक होगा और आज मध्यरात्र तक ये नॉर्थ आंध्र प्रदेश के ऊपर वीक होते हुए एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो जाएगा। सर, जिस तरीके से चक्रवात मिचौंग को लेकर प्रधानमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम्स भी वहां पर हैं, तो अगर हम मैप के जरिए समझना चाहें तो कैसे ये शुरुआत हुई और किस तरीके की स्थिति रहने वाली है वो आप हमें बताएंगे? वो तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ जो साइक्लोन है एक डिप्रेशन रूप में साउथ ईस्ट वेस्ट बंगाल में डेवलप हुआ और धीरे धीरे ऐसे गति करते हुए कल यह सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म परिणत हुआ था और अभी भी एक सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म रूप में ये जो रेड डॉट आप दिखाई दे रहे हैं ये पूरा तट के आसपास वेरी क्लोज टू कोस्ट अभी केंद्रीभूत है, अभी अगले 2 घंटे में ये तट को पार करेगा। बस एक आखिरी सवाल है सर कि लगातार जो साइक्लोन है ये छठवां साइक्लोन इस बार अगर इस साल की बात की जाए तो आखिरकार कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, साइक्लोन होता है लगभग 5 से 6 साइक्लोन हमारा जो बेवा बंगाल है अरबियन से हर साल डेवलप होता है, इस बार ये 6ठा साइक्लोन है और ये 2 सीजन में डेवलप होता है, एक है अप्रैल टू जून, दूसरा होता है अक्टूबर टू दिसंबर। इसलिए ये जो पीरियड है ये फेवरेबल है साइक्लोन डेवलपमेंट के लिए, सो इसमें कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं है, नेचुरल फेनोमेना है। बस एक सवाल और है सर कि लास्ट के जो 2 घंटे हैं ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर आप लोगों की सबसे ज्यादा नजर है और लोगों से क्या कहना चाहेंगे, हालांकि आप लोगों की तरफ से इंस्ट्रक्ट पहले किया जा चुका है? हर 3 घंटे हम अपडेट कर रहे हैं, जैसे देखिए हमारा जो प्रोग्राम प्लान था अकॉर्डिंगली साइक्लोन जा रहा है, ये जो एरिया है जो कि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से बापाटला है और प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट है, इसके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होने का संभावना है, मगर पूरा सेंट्रल आंध्र प्रदेश और दूसरा डिस्ट्रिक्ट में भी हैवी टू वेरी रेनफॉल होगा, मगर विंड इम्पैक्ट ये 3 जिले में सबसे ज्यादा होगा और स्टर्म सर्ज भी ये 3 जिले में सबसे ज्यादा होगा। तो आपने देखा कि जिस तरीके से आंध्र प्रदेश पर चक्रवात मिचौंग का कहर जारी है उसको देखते हुए जो आईएमडी डीजी है उनका कहना है कि लोगों से अपील की गई है कि उस इलाके की तरफ ना जाएं और सावधानी बरतें। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ रचना, न्यूज 18 दिल्ली।